शहर के आम नागरिकों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने भिलाई निगम हर संभव प्रयास कर रहा है। अब गली मोहल्ले में गंदगी से निजात पाने जीवीपी पॉइंट को समाप्त किया जा रहा है, ताकि लोग वहां कचरा ना फेंके और स्वच्छ एवं सुंदर भिलाई के नारे का साकार कर सकें। अब सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलाते हुए पाए जाने पर गंदगी फैलाने वाले से अर्थदंड वसूला जा रहा है। निगम आयुक्त रोहित व्यास के निर्देश पर स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 की प्रतियोगिता में नगर पालिक निगम भिलाई को प्रथम पायदान पर लाने स्वच्छता के हर मापदंडों पर कार्य किया जा रहा है। निगम प्रशासन बाजार क्षेत्र व सड़क किनारे खाद्य सामग्री विक्रय करने वालों को अनिवार्य रूप से डस्टबिन रखने व गीला एवं सूखा कचरे को पृथक पृथक रखने की हिदायत दे रहे हैं, ताकि भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में बेतरतीब गंदगी न फैले। नगर पालिक निगम भिलाई में विशेष सफाई अभियान जो है चलाया जा रहा है। इसके तहत में मास क्लीनिंग की जा रही है, जो नाली है उनकी सघन सफाई ग्रुप के माध्यम से की जा रही है। इसके अलावा जो जन जागरूकता संदेश है स्वच्छता का, वो लोगों के बीच में प्रसारित किया जा रहा है और लोगों से फीडबैक लाने का भी काम किया जा रहा है। जो स्वच्छ सर्वेक्षण है 2023 उसके तहत में माननीय महापौर जी, माननीय आयुक्त महोदय के निर्देश पर विशेष सफाई अभियान जो है हर क्षेत्रों में चलाया जा रहा है। स्वच्छ सर्वेक्षण के तहत नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा वृहद अभियान चलाया जा रहा है। सड़क नालियों की सफाई के साथ साथ डोर टू डोर कचरा कलेक्शन भी निर्धारित समय पर किया जा रहा है। स्वच्छता अभियान में शहर के आम नागरिकों की भूमिका महत्वपूर्ण है। इनसे लगातार स्वच्छता बनाए रखने की अपील भी की जा रही है। ग्रैंड एसी न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।